नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल राज टीच में। दोस्तों हम लोग देखेंगे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2021, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कब से फॉर्म भराएगा और क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 12th पर होगा या अदर कोई और भी कोई इसमें एक्सपीरियंस या कोर्स चाहिए, तो इसलिए हम उनका डाउट क्लियर करने के लिए क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से बताएंगे और कब से फॉर्म भराएगा ये भी बताएंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म भराने लगता है सबसे पहले सूचना हम इस चैनल के माध्यम से देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 12th रहेगा, 12th प्लस में क्या रहेगा लाइब्रेरियन का कोर्स आपको होना चाहिए, साथ में लाइब्रेरियन का कोर्स आप किए हुए हैं, साल भर का होता है, 1 ईयर का होता है ये लाइब्रेरियन कोर्स, तो साल भर का लाइब्रेरियन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, साल भर का कोर्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दूसरा बात करते हैं कि फॉर्म कब से भराएगा। तो आप तो ये समझ गए कि सिर्फ 12th पर फॉर्म जो है नहीं भरा पाएगा, ये फॉर्म भरने के लिए, बिहार लाइब्रेरियन के फॉर्म भरने के लिए आपके पास 12th के साथ साथ लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब रही दूसरी बात कि फॉर्म कब से भराएगा, तो देखिए इसका सारा चीज़ डाटा ब्यौरा और नोटिफिकेशन सारे चीज़ आ गया है, हम इस पर एक वीडियो भी बनाए हुए हैं कि किस ज़िले से कितने पोस्ट हैं लाइब्रेरियन के लिए और टोटल पोस्ट कितना है, सारा हमने वीडियो में एक बता दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। तो बात करते हैं कि फॉर्म कब से भराएगा, तो देखिए अभी तो बिहार में आचार संहिता लागू है तो अभी फॉर्म भराएगा नहीं, बिहार में आचार संहिता लागू है तो अभी फॉर्म नहीं भराएगा, जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होता है उसके बाद इसका फॉर्म भराएगा। यानी कि मान के चलिए कि अभी तो नहीं इसके बारे में कुछ कहा जाएगा, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक यानी कि 4 या 5 तारीख से इसका फॉर्म भरा सकता है, 4 या 5 तारीख से इसका फॉर्म भरा सकता है, तो अभी इसका फॉर्म नहीं भराएगा क्योंकि अभी बिहार में ग्रामीण चुनावी प्रक्रिया चल रहा है, तो अभी इसका फॉर्म नहीं भराएगा, जैसे ही चुनावी प्रक्रिया समाप्त तो होता है इसका फॉर्म भराएगा। तो जैसे ही फॉर्म भराएगा हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे और हर बात आपको बताएंगे, इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।